पैसा भेजना बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड करना भी बहुत आसान हो गया है। ठग आपकी आंखों में धूल झोंककर तुरंत पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं। इसलिए अगर आप पहले से उन तरीकों को जानते रहेंगे तो ठगी की संभावना कम हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि UPI के जरिए ठगी के लेटेस्ट तरीके कौन कौन से हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। UPI के जरिए ठगी के लिए मनी रिक्वेस्ट फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। इस फीचर का यूज करके चार तरीके से ठगी होती है। सबसे पहला तरीका है गुमनाम मनी रिक्वेस्ट। इस तरीके में ठग आपके मोबाइल नंबर या UPI आईडी का यूज करके मनी रिक्वेस्ट भेजता है। आप इस रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर आपने इस नोटिफिकेशन पर टैप करने के बाद गलती से भी अपना UPI पिन डाल दिया तो आपके खाते से पैसा निकल जाएगा। हो सकता है आपके फोन में मैसेज आए कि इंटर योर UPI पिन टू रिसीव मनी या फिर पेमेंट सक्सेसफुल रिसीव ₹10,000। ऐसे सभी मैसेज आपसे रुपए ठगने के लिए भेजे जाते हैं। इसी से मिलता जुलता ठगी का दूसरा तरीका भी है, ये है QR कोड के जरिए ठगी। इस तरीके में फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के जरिए एक मैसेज आएगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि पैसा पाने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे आपके सामने UPI पिन डालने का ऑप्शन आएगा। दरअसल हमेशा पैसा देने के लिए QR कोड को स्कैन किया जाता है, जबकि ठग कहता है कि QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। QR कोड स्कैन करने के बाद आपके सामने ये लिखा होता है कि कोई आपसे कुछ रकम मांग रहा है, लेकिन जल्दबाजी में आप इस मैसेज को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते और ठगी का शिकार हो जाते हैं। अगला तरीका है सोशल मीडिया फ्रॉड। इस तरीके में धोखाधड़ी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी UPI ऐप से जुड़ी अपनी दिक्कत सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो ठग तुरंत आपकी पोस्ट का जवाब देगा। वह अपने आप को उस ऐप का कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बताएगा। इतना ही नहीं, वह आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए एक पर्सनल नंबर भी देगा। जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो वो आपके सामने ऐप में UPI पिन डालने के लिए कहेगा। दरअसल आपके UPI ऐप पर एक मनी रिक्वेस्ट का मैसेज होगा। चूंकि आप फोन पर बात कर रहे होंगे और वो जल्दी में होगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़े बिना ही UPI पिन डाल देंगे। ऐसा करते ही आपके खाते से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। कई बार आप खुद ठग के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक ठगी का तरीका है हेल्पलाइन सर्च फ्रॉड। कभी कभी आप किसी को पैसे भेजते हैं लेकिन वो पहुंचता नहीं है। परेशान होकर आप अपने ऐप का हेल्पलाइन नंबर खोजते हैं, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है गूगल या यूट्यूब सर्च। सर्च रिजल्ट में आपके सामने सही नंबर कम दिखेगा, फ्रॉड नंबर ज्यादा दिखेंगे। पैसे की चिंता में आप बिना जांच पड़ताल किए जो भी नंबर सामने आएगा उस पर फोन कर देंगे। ठग को पता होता है कि आप काफी परेशान हैं, इसलिए आपसे सहानुभूति जताते हुए पैसा वापस करने का वादा करेगा। लेकिन इसके लिए आपको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहेगा। वो कहेगा कि वेरिफिकेशन के लिए आपको UPI पिन डालना होगा। अब एक बार फिर आप अपने रिक्वेस्ट मनी नोटिफिकेशन पर टैप करके UPI पिन डाल देंगे। पिन डालते ही पैसा आपके खाते से ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आप उस नंबर पर बात नहीं कर पाएंगे और आपको दोहरा नुकसान हो जाएगा। तो ये रहे ठगी के चार तरीके, आप इनसे बच सकते हैं। तो बस आपको हमारे टिप्स को फॉलो करना होगा, इसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में रहेगा। सबसे पहले तो आप अपने UPI ऐप की भाषा को हिंदी में कर लें, क्योंकि अगर भाषा हिंदी में रहेगी तो नोटिफिकेशन भी हिंदी में ही आएगा। हिंदी में अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे में आप सतर्क हो जाएंगे और अपना UPI पिन नहीं डालेंगे। दूसरा, ये बात गांठ बांध कर रख लें कि UPI पिन आपके बैंक अकाउंट की चाबी है। इसका इस्तेमाल करने में जल्दबाजी नहीं करें, कम से कम 3 बार सोचें। UPI पिन का इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर करने में और बैलेंस चेक करने में होता है। अगर कोई भी दूसरा शख्स इसका इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है तो कभी ना करें। आप ये समझ लीजिए कि पैसा पाने के लिए आपको UPI पिन डालने की जरूरत नहीं होती है।
इसलिए पैसे के लालच में कभी भी पिन नहीं डालें। वैसे बेहतर तो ये होगा कि आप रिवॉर्ड या कैशबैक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इससे लालच बढ़ता है और इसी का फायदा उठाकर धोखाधड़ी की जाती है। अगर आपके पास दो बैंक अकाउंट हैं, तो UPI ऐप में उसी बैंक अकाउंट को लिंक करें जिसमें बैलेंस कम रहता है। ऐसे में अगर आप फ्रॉड के शिकार हुए भी तो बड़ी रकम नहीं जाएगी। किसी भी UPI ऐप का कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च नहीं करें। हर ऐप के अंदर ही शिकायत करने का सिस्टम है, उसी का इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज कराएं। फ्रॉड को देखते हुए ही गूगल पे ने अपना कस्टमर केयर नंबर बंद कर दिया है। किसी भी ऐप को सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, किसी भी लिंक पर टैप करके कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। अगर आपके साथ ठगी हो भी जाती है तो हाथ पर हाथ धरकर ना बैठें, बल्कि आगे बढ़कर साइबर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।